सुबह के बज गए 11 और मैं अभी सो के उठा हूँ, थोड़ा नहा लिया हूँ और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। तो यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो 11 बजे सो के मैं क्यों उठाऊँ ये आपको पता होगा। अगर नहीं करते तो आप जाओ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे द कृष्णा फोटोग्राफी और वहाँ जाकर मुझे फॉलो करो। तो मुझे पता है यूपी में आजकल धूप नहीं निकलती, धूप निकले बहुत दिन हो जाते हैं, बट अपना उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में अच्छी खासी धूप निकलती है और डेली निकलती है, कभी टाइम ही ज़्यादा ख़राब है तो बात अलग, नहीं तो धूप तो डेली निकलती है यहाँ पे। और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा आज किस बारे में वीडियो है, और मैं पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा जिम कर रहा हूँ और वेट लॉस भी हो रहा है धीरे धीरे। डेली डाइट में क्या ले रहा हूँ आज देख लो कि मैं करता क्या हूँ। यदि आपके पास टाइम कम है और आपको कुछ अच्छा खाना है और आप अपने घर में या रसोई में, तो 35 रुपये के आसपास ये आएगा एक सफोल आउट्स। यदि आप डाइट पे भी हैं और कुछ हल्का फुल्का खाना है, हल्का फुल्का मतलब मीन्स ये है कि पेट भर देगा आपका और आपको कम कैलोरी जाएगी। तो मैंने इसके लिए थोड़ी प्याज कट ली है, थोड़ी हरी मिर्च, एक हरी मिर्च और थोड़ी टमाटो। तो ये सब के बाद में मेरा एक छोटा सा फ्राई रहना है कि मैं इसी में बना देता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि कढ़ाई में मेरी बनी हुई है सब्जी, तो मैं इसी में बना रहा हूँ। इसमें अगर आपके पास में घी है तो घी डाल सकते हैं आप, नहीं तो आप अगर ज़्यादा ही तेल खाना पसंद नहीं करते तो ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, बट मैं सरसों का तेल हल्का डाल रहा हूँ, बहुत ही हल्का, जिससे मेरी प्याज भून सके और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा तेज़ भी हो गया तो मैं आँच को थोड़ा धीमे कर लेता हूँ। तो इससे पहले तेल पूरा जल जाए तो हम थोड़ा प्याज को बारीक बारीक काट लिया मैंने, थोड़ा बड़ी काटा है, आधी आधी बारीक बारीक और आधी बड़ी बड़ी। ये बहुत बड़ी गैस पे काला सा भी हो गया है, प्याज अच्छे से बन गया है। तो मैं प्रोसेस में पहले टमाटर डाल लेता हूँ, जैसे ही टमाटर डाल देते हैं, टमाटर डालने के तुरंत बाद अगर आप सॉल्ट डालते हैं नमक भी आप बाद में डाल दे सकते हैं, और हम खाने में सेंधा नमक यूज़ करते हैं, सेंधा नमक कम लगता है खाने में, हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं और सेंधा नमक खाने के लिए अच्छा होता है, उसको जैसे पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं। अब जैसे जैसे इसमें नमक डालोगे तो ये तेल छोड़ना शुरू कर देंगे आपके प्याज और टमाटर। आप देख रहे होंगे छोटा सा कड़ा मसाला नहीं, बस इसमें एक मैगी मसाला यूज कर रहा हूँ। मैंने थोड़े 5 रुपये का एक पैकेट थोड़ा डाल दिया इसमें, तो मसाले ज़्यादा नहीं खाने हैं। पसंद है तो आप डाल सकते हैं थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, अन्यथा नहीं डाल सकते। और आप कुछ और ज़्यादा खाना चाहते हैं, मतलब कुछ और इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप डाल सकते हैं थोड़ा मटर और गोभी, मतलब कुछ वेजिटेबल आपको मिलेगा जो वजह डाल सकते हैं। इसमें 1 गिलास के लगभग पानी डाल दिया, पकने दो, इसमें पानी डालने के बाद बहुत थोड़ा उस डालना है इसमें, एक मुट्ठी से भी कम। भी आप देख सकते हैं इसको चला देता हूँ थोड़ा, मैगी की तरह 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं।
आप इसको चलाते रहें ताकि नीचे से ना लगे, क्योंकि ये जो मेरा बर्टन है तो थोड़ा ये पतला है इसलिए लगने का डर रहता है। ज़्यादातर मैं कढ़ाई में बना देता हूँ, बट कढ़ाई में मेरी सब्जी बनी हुई थी तो इसलिए तो कुकर में बना सकते हैं, कुकर पड़ता है इसमें भी नहीं बना सकते। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो इसमें आप डाल सकते हैं, ये मैं बताऊंगा क्या है, थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। ये है मैगजिला, 5 रुपये का पैकेट आता है और मैं डाल के खाता हूँ इसको। हाँ थोड़ा मसाला पसंद है इसलिए खाता हूँ, बाकी जिम में तो नहीं बोलते कि मत खाओ इसको मसाले को, फीका ही खाओ इसको।